नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के युवा बेरोजगारों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। दोस्तों, आज हमारी मुहिम जो है वो धीरे धीरे रंग ला रही है। दोस्तों, अभी हमें यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि ऐसी घोषणाएँ पहले भी हुई है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन पिछले 10 दिनों से हमने जो एक मुहिम ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर चलाई हुई थी, रोज़गार को लेकर के, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को लेकर के, जो लगातार आप हमसे जुड़े रहे, उसका नतीजा ये है कि सरकार अब झुकने को मजबूर हो गई है। सरकार को पता चल गया है कि 2 साल तक हमने युवाओं को मूर्ख बना दिया है, अलग अलग झांसे दे करके, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी कोरोना, कभी सरकार गिरना, इस तरीके के बहुत सारे पैंतरे अपनाए गए। लेकिन आखिरकार पिछले 10 दिनों से जो हमने मुहिम चला रखी है, न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो मुहिम चला रखी है, उसका अब असर दिखने लगा है। दोस्तों, 1 लाख नौकरियों की घोषणा सरकार की तरफ से की जा रही है, राजस्थान सरकार की तरफ से। आप ये देख सकते हैं, पहली अपडेट जो है इसमें वो देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ये खबर आप देखिए कि प्रदेश में करीब 1.25 लाख नौकरियों की उम्मीदें, राज्य सरकार लगातार कर रही है कवायद, राजस्थानी को ही नौकरी देने का मुद्दा अहम। यहाँ पर जो है, जो बाहरी जो छात्र हैं उनका जो कोटा है वो कम करने की बात हो रही है। DOP लगातार कर रही है इस पर वर्क, मुख्यमंत्री के स्तर पर 2-3 बार पहले हो चुकी है चर्चा। इसी तरीके से ये लंबे समय से राजस्थानी को ही नौकरी देने का मसला चल रहा है, तो इस पर विधानसभा में भी ये मामला उठ चुका है और मुख्यमंत्री इस पर निर्देश दे चुके हैं। कैबिनेट की अभी तक इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन जल्दी ही इस पर मुहर लगेगी। साथ ही प्रस्ताव भी तैयार किया गया है और पिछली सरकार के समय भी ऐसी कसरत हुई थी, लेकिन आपको मालूम है कि बाद में विधानसभा चुनाव आ गए, लोकसभा चुनाव आ गए, कोरोना आ गया, सरकार गिरना आ गया, इस सब के चलते इनको बहाने मिलते गए और इन्होंने आगे से आगे जो है भर्तियों को, नियुक्तियों को आगे पोस्टपोन कर दिया। अब देखिए, पहली जो अपडेट एक और है, 1 लाख नौकरियों की बात हो गई, जो अलग अलग फील्ड में, जैसे शिक्षक हैं या LDC की हैं, पुलिस में हैं और अन्य जो भर्तियां हैं, उन सब की वो बात हो रही है। पूरी मिला के 1 लाख नौकरियाँ हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पहला निर्णय आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील निर्णय। संवेदनशील तो अब होना ही था, इतना समय जो हो गया युवाओं के साथ, इतना बड़ा जो छल कर दिया गया है, अब जो दबाव बना है उसके चलते कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2018 के जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती होगी। रिक्त पद जो कम कर दिए गए थे और जो रिक्त रह गए थे उन पर नई भर्ती होगी, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा, यह अशोक गहलोत का खुद का ट्वीट देखिए कि रीट 2018 परीक्षा Level 2 के जो पात्र अभ्यर्थियों की द्वितीय प्रतीक्षा सूची है, रीसफल सूची, उसको भी जारी करने का निर्णय किया है तथा स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यानी कि जो रीट Level 2 के जो पात्र अभ्यर्थी थे उनकी रीसफल सूची भी जारी कर दी जाएगी और रिक्त पद जो हैं उन पर नियुक्ति, जो नियुक्तियाँ अटकी हुई थी वो भी दी जाएगी। इसके अलावा अशोक गहलोत जी का एक ट्वीट और देखिए कि निवास पर उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई पर इन पदों पर, यानी ये रीट वाले पदों की बात हो रही है, शीघ्र नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा विशेष योग्यजनों के हितार्थ कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2018 में दिव्यांगजन के 157 बैकलॉग पदों की भर्ती पर भी संवेदनशील निर्णय किया है। यानी जो लिपिक LDC भर्ती परीक्षा हुई थी 2018, उसमें दिव्यांगजनों को भी अब 157 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति होगी। जो रिक्त पद हैं उन पर जो है नई भर्ती परीक्षा होगी, यानी LDC 2020 या LDC 2021 का एग्ज़ाम अब होने जा रहा है, तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल पर ही आपको LDC की तैयारी करवाई जाएगी, फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगली आप देखिए अपडेट है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन नवंबर प्रथम सप्ताह में होगा। तो दोस्तों, ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट आ गई। तो दोस्तों, जो हमने मुहिम चला रखी है पिछले 10-15 दिनों से,
कि हमें चाहिए रोज़गार, मैं भी बेरोज़गार, जो कि सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स, जन सत्याग्रह, अगेंस्ट गहलोत सरकार, बहुत सारे हैशटैग हमने चलाए और काफ़ी पॉपुलर भी हुए। इसके अलावा अभी भी हमारी जो मुहिम है वो रुकी नहीं है, हैशटैग मैं भी बेरोज़गार, ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कि केंद्र के स्तर की सारी भर्तियां जो हैं वो शुरू नहीं की जाएगी, सारी नियुक्तियां शुरू नहीं की जाएगी, सारी परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम की डेट्स रिलीज़ नहीं होगी, रेलवे की, एसएससी की, बैंक एग्ज़ाम्स की। इसके अलावा राज्य स्तर पर आरएएस 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, या राज्य स्तर की जितनी भी भर्तियां हैं एलडीसी की हों उनके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। मेडिकल का क्षेत्र हो चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जो भी प्रक्रिया रुकी हुई है, नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और सोशल मीडिया पर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। ये ऐतिहासिक छात्र आंदोलन है, आप भी इसका हिस्सा बने और हमारे चैनल के साथ जुड़े, सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, तभी जाकर के कुछ होगा। ये मुहिम जब 10-15 दिनों से एक केंद्र स्तर पर चली है, क्योंकि इसमें एसएससी, रेलवे के स्टूडेंट्स, बैंक एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स साथ में आ गए, जेई नीट्स के, तो तब जाकर के ये असर देखने को मिला है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ें। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट है कि ये सारी भर्ती प्रक्रियाएं अशोक गहलोत सरकार ने शुरू की है, या इनके बारे में जो है अब घोषणा की है, देखते हैं इस पर कितना काम होता है। घोषणाएं तो पहले भी बहुत हुई है, लेकिन जब तक हमें नोटिफिकेशन ज़मीन पर इसका काम नहीं मिल जाता, तब तक हमारी ये मुहिम चलती रहनी चाहिए। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस मुहिम के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी ही आपको आरएएस 2020 रीट की जो नई भर्ती आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए जो नई नोटिफिकेशन जारी होने वाली है, या इसके अलावा राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, आरएसएमएसएसबी के द्वारा पटवारी एग्ज़ाम को लेकर के सब कुछ जो है अपडेट यहाँ पर आपको हम देने वाले हैं। धन्यवाद।